हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये जो हमारे पास कुछ कट पीस बचे हुए हैं तो इसमें से हम एक डिज़ाइनर बेबी टॉप बनाएंगे। तो ये देखिए डबल फ्रिल वाला बनाएंगे हम। तो ये मेरे पास ये अभी ये टू पीस लेंगे हम। इसकी चौड़ाई है 20 इंच और इसकी लेंथ लेंगे हम 26 इंच। तो ये हम स्क्वायर में लेंगे 20 बाय 20 का। अब इसे हम इस तरह से ट्रायंगल में करेंगे जिससे हमारा स्क्वायर में जैसा हमारा फैब्रिक रहेगा 20 बाय 20 का उतना हो जाएगा। ये इसे हमने ट्रायंगल में किया है। अब इसके हम यहाँ से शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच। यहाँ से सीधी लाइन देंगे हम। रिबन साइड से हम नेक लेंगे, नेक लेंगे हम 3 इंच। नेक की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। इस तरह से यहाँ भी हम 2.5 इंच फिनिशन लगाएंगे और यहाँ से गोला एक शेप देंगे नेक के लिए। अब यहाँ से हम आर्म होल लेंगे। आर्म होल भी हम 5.5 इंच लेंगे। तो हम थोड़ा लूज फिटिंग के लिए रखेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा गले का शेप लेंगे। और यहाँ से इसकी जितनी लेंथ आती है 13.5 इंच, तो 13.5 इंच पे हम इसको गले का शेप देंगे। तरह से हम सर्कल बनाएंगे इसके। आप चाहे तो सेंटर से भी इसे इस तरह से गोलाई का ज़्यादा शेप ले सकते हैं और साइड से थोड़ा कम ले सकते हैं। तो आजकल इसका ज़्यादा फैशन चालू है बीच सेंटर से इसका यू शेप में इसे कट कर सकते हैं आप इसे। अब इसे कट कर लेंगे हम। इसे हमने कट कर लिया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आता है। अब हम दूसरा पीस कट करेंगे। ये देखिए हमने जो पार्ट कट किया था इस तरह से, तो जो पहला वाला हमने पीस कट किया था तो इसे हम इस पर रखेंगे। तो ये जो हमने नीचे की टू पीस लिए इन्हें भी हमने ट्रायंगल में रखा है। ये बंद साइड है और ये ओपन साइड है। तो इसके ऊपर हम इसे रखेंगे और उसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम इसकी नीचे की जो लेंथ है वो बढ़ा के लेंगे। तो यहाँ से मैं जितना है इतना उसका लेंथ बढ़ा के लूँगी और इसे सर्कल में उसे इस तरह से सर्कल में इसे निशान बना के इसे कट कर लूँगी।
ये देखिए इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। तो ये हमारा छोटा लेयर वाला, ये बड़ा लेयर वाला। तो इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। तो इसकी स्टिचिंग हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।